الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله میرے دوستو اور بزرگو ایمان اور اسلام یہ دو چیزیں ہیں ایمان اور اسلام اسی اعتبار سے ہمارا نام ہے ایمان کے اعتبار سے مومن اور اسلام کے اعتبار سے ہمارا نام ہے مسلمان مسلم اور مومن یہ دو نام ہمارے ہیں اور یہ نام کس نے رکھا ہے ہمارا یہ دونوں نام اللہ نے ہمارے رکھے ہیں ہوا سماکم المسلمین قرآن فرماتا خدا ہی نے تمہارا نام
मुस्लिम रखा है और उसी ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो, इन्नमल मोमिनीन, बेशक मोमिन, मोमिन और इस मुस्लिम, ये दोनों अल्लाह के रखे हुए नाम हैं। ईमान कहते हैं दिल की तस्दीक को, दिल में पूरा यकीन उन चीजों का है जो अल्लाह के रसूल खुदा की तरफ से लेकर आए, और जाहिरी अमल का नाम है इस्लाम। जबान से आपने इकरार किया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत का नाम लेते हैं, दोजख को कहते हैं हक है, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, जितना जाहिर का मामला है इसे इस्लाम कहते हैं, और जो बातिन अंदर का मामला है कि आदमी पूरे यकीन के साथ अल्लाह और रसूल को मानता है, इसका नाम है ईमान। तो अंदर से जो सही है वो मोमिन है, और बाहर से जो सही है वो मुस्लिम है, और दोनों एतबार से जो सही है वही अल्लाह का महबूब बंदा, अंदर भी और बाहर भी। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अंदर से डावा डोल होते हैं और बाहर से सही होते हैं, ऐसे को अल्लाह ने नाम रखा है मुनाफिक, दोगला आदमी, अंदर से गड़बड़ है और बाहर से परफेक्ट है, अंदर डिफेक्ट और बाहर परफेक्ट, ऐसे का नाम अल्लाह ताला ने मुनाफिक रखा है। और जो अंदर से भी खराब और बाहर से भी खराब, उसका नाम काफिर रखा है। अब समझ गए, अंदर से भी गया है बाहर से भी गया, ये तो हो गया काफिर, और अंदर से भी ठीक है बाहर से भी ठीक है, उसका नाम है मोमिन। और जो अंदर से गड़बड़ है बाहर से ठीक ठाक है, उसका नाम है मुनाफिक। बात समझ में आ गई? मेरी तकरीर में बैठो तो तकरीर मत सुनो, जो मैं समझाता हूं उसे समझो, ताकि सामने वाला जब आए तो उससे तुम कुछ बात भी कर सको। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हाथ पैर चलाओ, लेकिन जबान तो चला सकते हो, कुछ बात तो कर सकते हो, तो इसलिए बात को समझना चाहिए। ये है तीन किस्म के लोग, और इन तीनों लोगों का जिक्र कुरान मजीद ने बड़ी तफसील के साथ फरमाया है, बल्कि तीनों के नाम से अल्लाह ने सूरह भी उतारी। सूरह मोमिनून कुरान में है ना, अंदर से जो लोग ठीक हैं बाहर से भी ठीक हैं, उनके नाम से अल्लाह ने कुरान में एक सूरह उतारी जिसका नाम क्या है, सूरह मोमिन। और वो लोग जो अंदर से गड़बड़ हैं और बाहर से ठीक हैं, उनके नाम से भी अल्लाह ने एक सूरह उतारी, उस सूरह का नाम क्या है, सूरह मुनाफिकून, दोगले मुसलमानों के। उसमें उन्हीं का परिचय कराया गया है, और जो अंदर से भी गड़बड़ और बाहर से भी गड़बड़, उनके नाम से भी एक सूरह अल्लाह ने उतारी है, उस सूरह का नाम क्या है, सूरह काफिरून। सूरह काफिरून याद है, बहुत छोटी सी सूरह,
इनका इंट्रोडक्शन ज्यादा अल्लाह ने लंबा चौड़ा नहीं कराया, ये तो मालूम ही है कि इधर से भी है इधर से भी, देखते ही पहचान जाता है आदमी की अपने कैटेगरी का नहीं। तो अल्लाह ताला ने उनका इंट्रोडक्शन और परिचय छोटी सी सूरह में कराया है। قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ। याद है क्या है? अक्सर लोगों को याद है, जो कुरान नहीं पढ़े हैं वो भी याद रखते हैं। और सूरह मुनाफिकून जरा लंबी अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, और सूरह मोमिन जो है ये और लंबी है कि मुसलमानों का जिक्र बहुत परवरदिगार आलम ने शान से फरमाया है, और मुनाफिकों का जिक्र एक सूरा में भी फरमाया है, सूरह इनाम में, सूरह आराफ में, और अक्सर सूरतों में मुनाफिकों का जिक्र किया है, क्योंकि ये बड़े खतरनाक लोग हैं। इसलिए एक ही जगह नहीं, जगह 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 अल्लाह ने कहा ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। दोगले लोगों का परिचय खूब कुरान ने किया है, परिचय भी कराया है और परचखे भी उनके उड़ाए हैं। तो तीन किस्म के लोग हैं। अब तीन किस्मों के साथ आप अपने को अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन कहते हैं, मोमिन कहते हैं कि नहीं, और मुसलमान भी कहते हैं। आप बाहर से भी ठीक रहिए, अंदर से तो अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी ठीक है। सब लोग ठीक हैं कि नहीं? अगर किसी के दिल में गड़बड़ी हो तो अभी ठीक कर ले, ताकि ये जमीन उस गड़बड़ी को ठीक करने की भी गवाह हो जाए। अभी ठीक कर लेना, अगर कुछ दावा डोल है कि ये है कि वो सही, ये है कि वो सही, अब ये सही है कि वो सही, छोड़ दो बस यही सही है, ऐसे ठीक हो जाओ और अपने जाहिर को भी ठीक कर लो। फिर याद रखना, बड़ा फायदा होगा, तुम यहां बैठोगे और रिमोट कंट्रोल मेरे गौस के हाथ में है, रिमोट कंट्रोल मेरे ख्वाजा के हाथ में है, ठीक रहोगे, जहां से पुकारोगे वहां से तुमको तुम्हारी मदद की जाएगी। वो तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम दूर से पुकारते हैं तो वो सुनते नहीं है, तुम्हारी काय को सुनेंगे, तुम्हारा एम्पलीफायर गड़बड़ है, सिम कार्ड नहीं लगाए, मोबाइल सिम कार्ड नहीं है और मोबाइल से बोलते हेलो हेलो तो कौन सुनेगा, सिम कार्ड होना चाहिए ना, और बैटरी अंदर होना चाहिए, ऊपर की पॉलिश घिस गई घिस जाने दो, उसकी बॉडी टूट गई है टूट जाने दो, अंदर सही होना चाहिए, सिम कार्ड भी सही हो, बैटरी भी सही हो, और जैसे ही हेलो करोगे तो अमेरिका तक तुम्हारी आवाज पहुंचेगी, और नोकिया का कीमती से कीमती, एलजी का अच्छे से अच्छा तुम मोबाइल लेके आओ और सिम कार्ड ही नहीं डालोगे और बोल रहे हेलो हेलो तो क्या हेलो हेलो कौन सुनेगा भाई, अंदर तो पहले ठीक कर ले। तो मोबाइल चलाना है तो अंदर ठीक कर ले, बाहर थोड़ा बहुत अगर टूटा फूटा है तो उससे कोई फर्क नहीं, अंदर अकीदा सही कर लो, अगर बाहर मैले कुचैले हो कोई मतलब नहीं है। यहां से कहोगे या रसूल अल्लाह तो मदीने मुनव्वर में आवाज पहुंचे, यहां कहोगे या गौस और करबलाए वो बगदादे मुअल्ला में तुम्हारी आवाज पहुंचेगी, यहां कहोगे या गरीब नवाज अजमेर पहुंच जाएगी। मोबाइल अंदर से ठीक रखना, सिम कार्ड बराबर लगा के रखना। वो लोग सब सुनते हैं, आज हमारे रूम में एसी लगा, यहां मैं रहता हूं, हमारे अय्यूब भाई मलिक ने एसी लगवाया, तो हम लोग तो मौलवी आदमी एसी और देसी क्या जाने, इलेक्ट्रीशियन ने एसी लगाया तो हम समझे कि बटन वटन से चालू करेगा, तो हम देख रहे थे, मैंने पूछा क्या ढूंढ रहे हो, तो बोले रिमोट कंट्रोल ढूंढ रहा, तो वो दराज में इतना बड़ा निकाला
और निकाल करके यहां दूर खड़े होकर के यूं किया तो चालू हो गया और यूं किया तो बंद हो गया। इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ में है, एसी वहां दीवार में लगा है। मैं देख रहा हूं, मैंने कहा क्या चालू हो गया बंद हो गया? कहां बंद हो गया, चालू हो गया। मैंने कहा मुझको भी तो सिखा दे भाई, तू तो रोज रहेगा नहीं, मैं सीख लूंगा तो जब चाहूंगा खोलूंगा, जब चाहूंगा बंद कर दूंगा। मैंने हाथ में लिया, उसने कहा ये ऑन लिखा है, ये ऑफ लिखा है, अगर इसको आप यूं दबाएंगे तो चालू हो जाएगा और फिर दोबारा इसी को प्रेस करेंगे तो फिर ये बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाए। बटन एक ही है, जरा सोचो, बटन एक है, एक मर्तबा दला चलाया तो ठंडा ठंडा चालू एसी, और दूसरी मर्तबा वही बटन दबाया तो बंद हो गया। कुछ समझे? अरे साइंस वाले भी हमको सबक पढ़ाते हैं, वो भी हमें दरसे तसव्वुफ देते हैं। दिल एक है, दस दिल नहीं, बटन दो जगह नहीं है, इधर भी एक दिल हो इधर भी एक दिल हो, इसको दबाओ तो नूर निकले, इसको दबाओ तो कुफर निकले, ऐसा नहीं है, दिल एक है। अरे इसको अगर तुमने पहले ही मर्तबा गौसे आजम का नाम लेकर दबाया तो नूर और ईमान निकलेगा, और किसी गलत हजरत जी का नाम लेकर के दबाया तो पिच हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कब्ज और बस ये खुलना और बंद होना दिल ही है, इसको किसी और हाथ के अंदर मत देना, उस हाथ में देना जो सिर्फ खोले, उस हाथ में देना जो इसको जो अपने नूर और अपने तसव्वुफ और रूहानियत से इसको जारी कर दे, और एक मर्तबा ये कल्ब जारी होगा तो इससे जन्नत की हवाएं निकलेंगी और इसे ईमान का नूर निकलेगा, और ऐसा नूर निकलेगा कि तुम यहां भी कामयाब रहोगे वहां भी कामयाब रहोगे। इसी को अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि कयामत में मुसलमान और मर्द, मर्द और मुसलमान औरत, मोमिन मर्द मोमिन औरत, जब ये जाएंगे पुल सरात की तरफ तो बड़ा अंधेरा होगा। क्या होगा? अंधेरा। तो अंधेरे में आदमी को वहशत होती है, और जब लाइट हो जाए तो डर और वहशत दूर हो जाती है। तो जब मुसलमान चलेंगे, जहन्नम सामने है, ऊपर पुल सरात है, जब मुसलमान पुल सरात पर चलेंगे तो अंधेरे ही अंधेरा होगा, तो फौरन अल्लाह वहां लाइट का इंतजाम फरमाएगा, और लाइट कैसा होगा? मोमिन के पास लाइट होगा। सिर्फ जाहिर में अगर वो अपने को मुसलमान कहता है, अंदर से गड़बड़ है, उसके लिए लाइट नहीं होगा, रोशनी उसके लिए होगी जो अंदर से ईमान वाला है, अंदर से ठीक ठाक है। इसीलिए कुरान मजीद इरशाद फरमाता है यौमा तरल मुमिनीन वल मुमिनात यसअ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम। कयामत के दिन तुम देखोगे मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को, यसअ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, के रोशनी और उनके अंदर का नूर आगे आगे दौड़ेगा, हम लोग पीछे रहेंगे, ये सब रहेंगे जितने सुन्नी है ना, हम लोग इधर रहेंगे और आगे चकाचक रोशनी कहां से निकलेगी? ये यहां से, यहां दिल में रहता है ईमान, यही से रोशनी निकलेगी, जैसे सर्च लाइट से रोशनी निकलती है, ऐसे ही है मुसलमानों तुम्हारे ईमान से रोशनी निकलेगी, और किधर जाएगी? आगे। और अल्लाह फरमाता व बेईमानिहिम, और राइट साइड में जाएगी, जमणी साइड में,
दाबी साइड में नहीं रहेगी। दाबी साइड में क्यों नहीं रहेगी? दाबी साइड में कुछ और लोग रहेंगे। वो कौन रहेंगे? जो अंदर से गड़बड़ और बाहर से भड़बड़। जब देखो हम मुसलमान हैं, हम अच्छे हैं, हम ऐसे बड़बड़ बड़बड़ बहुत करते हैं, अंदर से गड़बड़ बाहर से बड़बड़, ऐसे लोग बाई तरफ रहेंगे। अल्लाह फरमाता है कि असहाबुल यमीन, एक जमात वो होगी जो राइट साइड में दाहिनी तरफ जमणी साइड में होगी, और दूसरी जमात वो होगी अल्लाह फरमाता असहाबुल शिमाल, एक जगह फरमाता है कि असहाबुल मशअमा, वो बाई तरफ वाले होंगे। बाई तरफ वाले कौन होंगे? बहुत नमाजें पढ़ी हैं, बहुत रोजे रखे हैं, बाहर से बड़े अच्छे लेकिन अंदर से बड़े गंदे, ऐसे लोगों को अल्लाह बाई तरफ रखेगा। और कयामत में ये चेहरा जो है, चेहरा देख करके पहचान लोगे कि ये कौन से कैटेगरी का है। कुरान फरमाता यौम तबयदु वुजूहुहुम व तस्वद्दु वुजूह, कुरान फरमाता है कि कुछ चेहरे चांद की तरह चमकदार होंगे। दुनिया में कितना भी काला रहेगा लेकिन मरने के बाद ईमान अगर लेकर गया है तो कयामत में उसके चेहरे जगमगाते हुए होंगे। और दुनिया में कितना भी गोरा चिट्टा रहेगा, बेईमान मरा है तो अल्लाह फरमाता उसका चेहरा काला हो जाएगा। अलैहा गबरतुन तरहक़ुहा क़तरा, कुरान फरमाता है कि उनके चेहरों पर गर्दो गर्दो गुबार और डामर लगा हुआ जैसे। ये काहे की सड़क बनी? डामरीकरण होता है ना, ऐसे ही अल्लाह उनके चेहरे पर डामर लगा देगा। यहां थे बड़े खूबसूरत और वहां नबी की बेअदबी करने की नहुसत ये होगी कि पूरा चेहरा काला भुजंग होगा। तो ये काले चेहरे वाले को अल्लाह फरमाता ये बाई तरफ रहेंगे और नूरानी चेहरे वाले ये सीधी तरफ खड़े रहेंगे। इसलिए मुसलमान का नूर आगे होगा और सीधी तरफ। हम लोग इस शान से रोशनी में जन्नत की तरफ जाएंगे। चलोगे ना? अजी बड़ा मजा आएगा। वो भी रहेंगे, उनसे बोलेंगे हाँ हम लोग झोपड़पट्टी में थे, ईमान को संभाल कर रखा, तो देखो यहाँ क्या चकाचक रोशनी है। दौलत नहीं बचाएगी, मुस्तफा की अजमत बचाएगी। सिर्फ नमाज और रोजा नहीं बचाएगा बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत है तब नमाज और रोजा तुम्हें बचाएगा। नमाज रोजा बड़ी कीमती दौलत है, इसको कभी मत नजरअंदाज करना। ईमान ठीक हो जाए तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मोमिन की है कि वो नमाज रोजा भी करे। ये ईमान नहीं है कि खाली ईमान ईमान कहते रहो, नमाज छोड़ते रहो, शराब पीते रहो, जुआ खेलते रहो, ये नहीं है। ईमान का तकाजा ये है कि अंदर भी सही हो बाहर भी सही हो। हमारे रफीक भाई का एम्पलीफायर अंदर से सही है कि नहीं? तो देखो बाहर की आवाज भी सही निकल रही है और अंदर गड़बड़ हो जाए तो मैं बोलूंगा अल्हम्दुलिल्लाह तो ये बोलेगा गू, मैं कहूंगा अल्लाहु अकबर तो ये कहेगा चू। गड़बड़ी होती है कि नहीं? अंदर भी सही हो बाहर भी सही हो तो मोमिन वो है जिसे नूर अता फरमाएगा अल्लाह। अंदर से भी सही है बाहर से भी सही है तो यौम तरल मोमिनीना वल मोमिनात यसअ नूरहुम बैन अईदीहिम व बिअईमानहिम, आगे भी नूर होगा और उनके दाहिनी तरफ भी नूर होगा। इस तरह सारे मुसलमान सारे मोमिन जन्नत की तरफ धूमधाम से चलेंगे। तो ये बाई तरफ वाले जो होंगे
वो देखेंगे अरे ये लोग तो बड़े रोशनी में जा रहे हैं, हर तरफ उजाला ही उजाला इनके इर्द गिर्द है, तो वो भी पुकारेंगे। उन्हें तो एक तरफ खड़ा कर दिया जाएगा, आगे मत बढ़ना। कहेंगे मुसलमानों से जोर जोर से चिल्लाकर, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ये मुनाफिक बोलेगा, यौमा यकूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात लिल्लज़ीना आमनु नज़ुरूना नक़तबिस मिन नूरिकुम। ये दोगला मुसलमान, ये दोगला आदमी, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ईमान वालों से कहेंगे कि हमारी तरफ भी जरा मुड़ करके देख लेना, ए रोशनी वाले, ए चमकते चेहरे वालों, जरा हमारी तरफ भी मुड़ करके देखो, नक्तबिस मिन नूरकुम, ताकि तुम्हारे नूर से हम भी कुछ हासिल कर ले। हमसे भीख मांगेंगे, अपना नूर दे दो। अबे यहां क्यों मांग रहा है, दुनिया ही में क्यों नहीं लिया, 12 दिन नूर बंट रहा था, नहीं ले रहे तो हमारा क्या कसूर है। मोहम्मद की ये महफिल है, अब आए जिसका जी चाहे, मुकद्दर अपना अपना आजमाए जिसका जी चाहे। यहां तो कोई प्रतिबंध नहीं, कोई लाठी डंडा लेकर खड़ा नहीं है, आओ बैठो और दिल की दुनिया को संभाल लो, तुमको नूर खुद ही मिल जाएगा। ईमान जब मुनव्वर है तो वहां नूर अता फरमाया जाएगा। कुरान फरमाता है ये लोग मुसलमानों से मुनाफिक कहेंगे, हमारी तरफ भी देखो ताकि हम तुमसे कुछ नूर हासिल करेंगे। जैसे ही ये मुसलमानों से नूर की भीख मांगेंगे, अल्लाह ताला उनसे इरशाद फरमाता है, قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا। उनसे कहा जाएगा पीछे जाओ, आगे क्या बढ़ रहे हो, मुसलमान तो उधर जन्नत की तरफ जा रहे हैं, तुम वहां किधर जा रहे हो। इर्जेउ वराकुम, पीछे मुड़ के जाओ, रिवर्स गियर लगाओ, आगे कहां भाग रहा है। मुनाफिकों को डांटा जाएगा तो सुटक करके पीछे मुड़ेंगे, जैसे ही पीछे मुड़ेंगे तो आगे अल्लाह फरमाता अगरीब बैनहुम बिसूरिल लहू बाब बातिनुहु फीहि रहमा व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिल अज़ाब। सही पढ़ा, कोई गलती तो नहीं ये? हाँ बता देंगे। अल्लाह क्या फरमाता है कि जैसे ही ये पीछे मुड़ेंगे तो इनके बीच में एक लंबी चौड़ी फसील कायम कर दी जाएगी, उधर मुसलमान और इधर डुप्लीकेट, और बीच में लंबी चौड़ी दीवार। कितने किलोमीटर की होगी मालूम है, लाखों करोड़ों मील की लंबी मोटी फसील कायम कर दी जाएगी, मजमा बहुत होगा, ताकि ये मुनाफिक इधर से छलांग कर उधर ना जाएं। लहू बाब, और बीच में एक बड़ा गेट लगा दिया जाएगा, ताकि मुसलमानों की कामयाबी और रोशनी को ये भुट्टे चोर देखते रहें कि मुसलमान कितना कामयाब जा रहा है, इधर मुनाफिक और उधर मोमिन। आप कहोगे बड़ा सख्त वाज कह रहे हैं, ये मेरा वाज नहीं है, कुरान फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, इसको मोहब्बत से सुनना। कुरान फरमाता है कि बीच में एक दरवाजा लगाया जाएगा और मुनाफिक झुक झुक के देखेंगे, अरे मुसलमान तो इसी शान से जा रहे हैं, हर तरफ नूर ही नूर है, लेकिन अंदर घुस नहीं सकेंगे क्योंकि फरिश्ते दरवाजे पर खड़े रहेंगे जहन्नम का कोड़ा लिए हुए, आगे आया कि मारे तो पीछे उधर चुपचाप रहेंगे, लेकिन सारा मंजर उनकी निगाहों के सामने होगा, इनसे रहा नहीं जाएगा,
तो दूर से फिर वो पुकारेंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है आगे, वयुनादूनहुम अलम नकुम माकुम आलू बला वलाकिन्नकुम फतन्तुम अन्फुसकुम वतरब्बसतुम वर्तबतुम हत्ता वगर्रतकुमुल अमानी हत्ता जा अमरुल्लाह। कुरान फरमाता है फिर मुनाफिक जब उनसे देखा नहीं जाएगा हमारी कामयाबी तो वह युनादू नहुम अलम नकुम माकुम, वो मुसलमानों को पुकारेंगे, अरे कहाँ जा रहे हो, क्या हम तुम्हारे साथ एक ही मोहल्ले में नहीं रहते थे, हमको छोड़ के क्यों जा रहे, अरे रहते थे लेकिन हमारे साथ कहाँ रहते, तुम तो कहीं और जाते थे, यहां नहीं आते थे, लेकिन कयामत में चिल्लाएंगे अलम नकुम माकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं रहते थे कि मोहल्ले में, रहना सहना एक ही जगह था, एक ही मंडी में काम करते थे, एक ही बाजार में दुकान थी, रोज आते जाते थे सलाम अलैकुम, आज क्यों नाराज होकर के जा रहे हो, अरे तुम हाँ अपने साथ कम से कम मोहल्ले और पड़ोस का तो ख्याल रखो। अलम नकुम माकुम, क्या हम तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे साथ एक साथ नहीं रहते थे। देखे मुसलमानों को बुलाएंगे, मोमिनीन को पुकारेंगे, लेकिन हम तो यहाँ भी टर्रे हैं, वहां तो और टर्रे और खर्रे हो जाएंगे, जब यहां नहीं सुनते थे तुम्हारी तो वहां क्यों सुनेंगे, आप सब लोग उधर ही मुंह किए हुए उनको जवाब देंगे, कालू बना हाँ हाँ हमारे साथ रहते थे, हमने कब कहा कि नहीं रहते थे, वला किन्नकुम फतन्तुम अन्फुसकुम वतरब्बसतुम वर्तबतुम वगर्रतकुमुल अमानियो हत्ता जा अमरुल्लाह। ये मोमिन ये बोलेगा, उसका जवाब कहेगा तू हमारे साथ तो रहता था लेकिन तूने अपने आप को गुमराही के फंदे में डाल दिया, तू अपने आप को गुमराही के फितने में तूने अपने को डाल दिया था, वह तरबस तुम और रोजाना तुम इस इंतजार में रहते थे कि ये मोमिन ये सुन्नी कब परेशान हो, इन पर कब मुसीबत आए, और जब बेचारे सुन्नी परेशान होते थे तो ये हंसते थे, मुनाफिक हंसते थे, अच्छा परेशान हुए हैं, वर तरबस तुम वर तब तुम, और इस्लाम के मामले में इस्लामी बातों में तुम हमेशा शक में रहते थे। जब कोई सुन्नी काम करे तो इनको शक होता था जायज है कि नहीं, मिलाद करे तो बोलता जायज है, फातिहा करे तो जायज है, सलाम पढ़े तो बोले जायज है कि नहीं, ये सुन्नी मालूम नहीं कहां कहां से लाते हैं जायज है कि नहीं, और पढ़ते या नबी सलाम अलैहि, जब कोई काम करते थे तो ये शक करते थे, ये इनको डाउटफुल होता था कि शरीयत में जायज है कि नहीं है, और ये हमारा मजाक बनाएंगे तो वहां मुसलमान क्या कहेंगे, वर तब तुम तो हमेशा शक में रहे ना कि ये जायज है कि नहीं, ये जायज है कि नहीं। मैं अक्सर कहा करता हूं ना, सुना है ना मेरा लतीफा, नहीं सुना है, आज वो नहीं आए सुबहानल्लाह भाई बैठे हैं नहीं है, गधा पहले बोलता क्या है, जोर से बोलता है कि नहीं बोलता, फिर उसके बाद आहिस्ता 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 बोलता है। कहने वाले ने कहा है कि असल में गधा पहले बोलता है अल्लाह एक है, तो शैतान को अल्लाह की वहदानियत का ऐलान अच्छा नहीं लगता, फौरन शैतान गधे के दिल में वसवसे डालता है, देख गधे अल्लाह एक नहीं है बहुत है, एक एक पत्ते पर करोड़ों करोड़ों, तू क्या जाने अल्लाह बहुत है, तो ये तो गधा का गधेड़ा ही रहा, फौरन कंफ्यूज हो जाता है,
और बोलने लगता है कि नहीं, 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 ये बोलते बोलते उसकी आवाज खत्म हो जाती है, फिर है बोलता ही नहीं। पहले बोला था अल्लाह एक है, और शैतान की जमात आई कंफ्यूज कर गई, तो कहता है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, और इसी पर उसकी सांस टूट गई। इसी तरह मुनाफिकों का मामला है, पहले तो उनके बाप दादा या वो बोलते हैं कि नबी कब्र में भी जिंदा है, लेकिन अब शैतान ने वसवसा डाला तो जिंदा है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। पहले बोलते थे नबी को गैब है, जब शैतान ने वसवसा डाला तो अब बोलता क्या है, गैब है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, ये है कि नहीं, यही है वर तब तुम। कुरान फरमाता है कि मुसलमान उस दिन मुनाफिकों को जवाब देंगे कि इस्लामी बातों में हमेशा तुम है कि नहीं करते रहे, हत्ता जा वगर्रत कुमुल अमानियो, और तुम्हारे दिल की ख्वाहिशों ने तुम्हें धोखे में रखा था। हम तो इतना कमा रहे हैं, हमारे पास तो इतनी दौलत आ गई है, एक चिल्ला किया था तो आने के बाद करोड़ रुपया हमको फायदा हो गया। वगर्रत को मुल अमानियो, दुनिया की ख्वाहिशात ने तुम्हें पलटने नहीं दिया, दीन के रास्ते पर सही मानों में आने नहीं दिया, दुनिया की ख्वाहिशात ने तुमको धोखे में रखा। हत्ता जा अमरुल्लाह, यहां तक कि अल्लाह की तरफ से मौत का पैगाम आ गया, और तुम है कि नहीं करते रहे, और मलकुल मौत ने दबा दिया, चला गया। ये मंजर खींचा है कुरान ने, तो है कि नहीं में मत पढ़ो, है तो है। क्या बोलोगे, नबी को गैब है, नबी अकरम कब्र अनवर में जिंदा है, अल्लाह सच्चा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शफीए महशर, अल्लाह के रसूल साकिए कौसर, अल्लाह के हबीब मुख्तार कुल है ना। अब मत बोलना है कि नहीं, है कि नहीं, आएंगे मुनकर नकीर टेटुआ पकड़ के दबा देंगे, ची न इधर का रहा न उधर का रहा, ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक। अल्लाह फरमाता ये मुनाफिक ना इधर का रहेगा ना उधर का, अधर का रहा, ये दो बातों में दुबकबक में फंसा रहा, ये कभी है कहेगा ही। तो दोस्तों है वाला ईमान रखना, है कि नहीं गधे का ईमान मत रखना। ये वो कैटेगरी है जिसको अल्लाह ने मुनाफिकीन से ताबीर किया है, और है वाला अगर मामला रहा तो याद रखना मेरे गौसे पाक जब बटन दबाएंगे तो जन्नत का एसी चालू हो जाएगा, कब्र भी ठंडी हो जाएगी, और हश्र भी तुम्हारा रोशन हो जाएगा। ईमान से रोशनी का फोकस निकलेगा, वहां कोई तुमको कोई फतवा देने वाला नहीं होगा। आज रोशनी करते हो लोग फतवा देते हैं, ये बिदात है, कहां साबित है। अरे अपना घर साबित रख मत रख, जब बेटे की शादी होगी तो पूरी बिल्डिंग पर सीरीज लगाएगा, पूछो कहां साबित। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हसन हुसैन की हजरत अली ने हसन हुसैन की शादी में घर को सजाया था? बोले मालूम नहीं, तो फिर क्यों तू सजा रहा। अरे हमको तो हुक्म है, अल्लाह ताला ने तो रसूल को पैदा फरमाया, उससे पहले आसमान में सितारे जगा दिए, सूरज के फोकस लगा दिए, चांद की कंदील लगा दिए,
ये मकान, ये शामियाना, ये जमीन किसके लिए बनाया? अल्लाह फरमाता लौला कलमा खलकुल अफलाक वल अर्दीन। ऐ हबीब, अगर आपका मिलाद, आपकी पैदाइश हमें मंजूर न होती तो ना हम आसमान को बनाते न जमीन को बनाते। और जमीन आसमान अल्लाह ताला ने बनाया तो खूब बल्ब लगा दिए, छोटे बल्ब भी लगाए, सर्च लाइट भी लगाए, चांद की कंदील भी लगाए, सुरैया और कहकशां का झूमर भी लगाया, कितना शानदार आसमान सजाया है। किसके लिए सजाया है? हमारे तुम्हारे लिए नहीं, अपने नबी की आमद आमद के लिए अल्लाह ने यह सजाया। एक बात बताओ, जिसके लिए जो ग्राउंड मंडप सजाया जाता है तो उस आदमी के आने के बाद सजाया जाता है पहले से? पहले से ना। आपके यहां बच्चे की शादी होती है तो जब बच्चा दूल्हा बनता है तब इलेक्ट्रीशियन को ऑर्डर देते हो ना? कब? अरे एक एक हफ्ता पहले से सजाया जाता है। ये हमारे खाट की वाड़ रानी तालाब वालों ने सजाया, मेरे आने के बाद सजाया या पहले सजाया? क्यों? ताकि आने वाला आए और फौरन अपना प्रोग्राम शुरू कर दे, यही तो है। और अगर हमारे आने के बाद लोग बंबू गाड़ेंगे, सीरीज लगाएंगे, तो लोग हमको देखेंगे कि अब उसको देखेंगे। इसलिए पहले इंतजाम होता है, बाद में बुलाया जाता है। अल्लाह ताला ने पहले सजाया, बाद में मुस्तफा को भेजा है। यही सुन्नत इलाही है, सुन्नत इलाही यही है। पहले अल्लाह ने सब सजा दिया, फरिश्तों ये सजाओ, वो सजाओ, ये सजाओ। किसके लिए सजाया जा रहा है? मेरा महबूब जाने वाला है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, वो अल्लाह का नूर लिबासे बशर में जमीन पर जाएगा और नबुवत का प्रोग्राम शुरू करेगा, रिसालत का पैगाम देगा, बिगड़े हुए दिलों को सुधारेगा, अल्लाह से बिछड़े हुए बंदों को मिलाएगा, चोरों को ईमानदार बनाएगा, बागियों को हकदार बनाएगा, जहन्नम के मुस्तहक को जन्नत का शेषाद काम फरमाएगा। वो आएंगे अखलाक तहजीब व तमद्दुन का मेयार कायम। एक बात अर्ज कर दूं, आपके यहां जुलूस निकलता है ना, मुझे बहुत सी शिकायतें पहुंचती हैं। आजकल नात की कैसेट निकली और वो बजाई जाती है। नात बजाना कोई, नात की कैसेट लगाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हमारे नौजवान, कई जगह मैंने शिकायतें सुनी हैं, जब वो कैसेट चलती है तो वहीं पर वो थिरकना शुरू कर दिया। ये नाते रसूल के वकार के खिलाफ, जहां मुस्तफा की नात पढ़ी जाए, अरे मुसलमान नाचता नहीं है, सरे एहतराम झुकाकर गौर से सुना कर। अगर आपके यहां ऐसे नौजवान जुलूस में मिले तो मेरा पैगाम अभी से सुन लेना, आने वाला वक्त है। ऐसे को पकड़ करके वहीं पर तंबीह करना, मानता है तो ठीक है वरना जुलूस से उसको निकाल। नाचने के लिए जुलूस नहीं है, अरे बल्कि ये गलत नाच करने वालों को पकड़कर मुस्तफा का वफादार और बाअदब बनाने के लिए है। ये जुलूस पैगामे सुन्नत मुस्तफा दे, ताकि सड़कों पर देखने वाला कहे ये जुलूस
खुराफातियों का नहीं है, ये जलूस मुस्तफा के वफादारों का जा रहा है कि कदम कदम पर तहजीब है और अदा अदा में उनके तमद्दुन की झलक नजर आ रही है, एक एक बोल में मुस्तफा का इश्क नजर आ रहा है। इनका जलूस लाखों का है लेकिन न शोर है न गुल है, एहतराम मुस्तफा में सरे नयाज झुका करके सब ऐसा जुलूस निकालो, ये नाचना कूदना छोड़ दो, ये खुराफातें छोड़ दो, इत्मीनान के साथ शरीफाने नारे लगाओ। और नारा भी लगाने का एक वसूल है, कुछ तो जज्बात में ऐसे नारे लगाते हैं ये भी गलत है, नारा लगाओ तो ऐसा नारा हो कुछ सुनने वाला भी उसके लिए बाइशे इबरत बन जाए। ऐसे अंदाज अख्तियार करना, कैसा जुलूस निकालोगे? जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा सुन रहे हो ना, खुद भी सुधर जाओ, दूसरों को भी सुधारो, गैरों को इस्लाम की रिवायात पर हंसने का मौका मत दो। ये मुसलमान सुन ले, तेरी ये जिंदगी तेरा कैरेक्टर खुली हुई किताब है, लोग और किताब पढ़ने नहीं जाते, तुम्हारा कैरेक्टर देखते हैं, सड़कों पर तुम्हारा किरदार देखते हैं और इसी किरदार से तुम्हारे बारे में फैसला करते हैं। अपना किरदार ऐसा बना लो कि जनाब सिद्दीक अकबर की सदाकत का जलवा नजर आए, बिलाल हबशी की का इश्क नजर आए, उमर फारूक की अदालत का जलवा नजर आए, सलमान फारसी का इशार नजर आए, उस्मान गनी की सखावत नजर आए और तुम्हारे लिए सोहेब रूमी की वफादारी नजर आए, अली मुर्तजा की शुजाअत नजर आए। कितने बहादुर लोग थे लेकिन नाच कूद करके बहादुरी नहीं दिखाया बल्कि शराफत के साथ इस्लाम का पैगाम और ईमान इसका नाम है मेरे दोस्तों। तो अपनी जिंदगी में इस्लामी रंग भरो। वैसे तो मुझे खुशी है कि जब मैं मजमे पर नजर डालता हूं तो हर तरफ जवान ही जवान, और पहले जवान दाढ़ियां नहीं रखता था अल्हम्दुलिल्लाह, अब देखो तो छोटी बड़ी दाढ़ी बहुत नौजवानों के हैं, जिनकी छोटी है अल्लाह उन्हें तौफीक दे के बड़ी कर ले ताकि ये और बड़े हो जाए। मेरे दोस्तों ये जलसे ये जुलूस महज आने और जाने का नाम नहीं है बल्कि बैठ करके अपने किरदार को संभालने और संवारने का ये मकाम है। परवरदिगार आलम सीरतुन नबी के सदके में हमारी जिंदगियों को कामयाब जिंदगी बनाए। मैं तो दुआ करता हूँ कि तुम अगर जिस्मानी तौर पर बीमार हो तो अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमाए, और अगर दिल में बीमारी अगर बेअदबी की आ गई है तो उसके लिए भी दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह दिल के रोगियों को दिल का नूर अता फरमा दे, उन्हें रूहानी शिफा अता फरमा दे ताकि वो जाहिर में भी अच्छे बन जाए और बातिन में भी अच्छे बन जाए। तो ये सीरतुन नबी का जुलूस जो निकलेगा उसमें ये मेरा पैगाम घर घर पहुंचा देना। और रहा लाइट वगैरह लगाने का मामला, ये इसलिए पहली तकरीरों में बोल रहा हूं लाइट लगाओ, लेकिन एक ख्याल रखना, इस बूढ़े की नसीहत याद रखना, लाइट लगाओ तो इसलिए नहीं फख्र के लिए मत लगाना, लाइट लगाना इसलिए कि मुस्तफा की मोहब्बत में ये चिराग जला रहे। तो एक एक बल्ब तुम्हारे लिए खुदा की कसम खा के कह रहा हूं सवाब का जरिया बनेगा, और अगर मुकाबले करने के लिए उससे अच्छी लाइट मैं लगाऊंगा उससे अच्छी लाइट मैं लगाऊंगा। कुछ आज हमारे लोगों में एक बात चली है कि जिसका सिंगार और जिसकी लाइट अच्छी होगी उसको इनाम दिया जाएगा। हमारे सुन्नी किरदार को तबाह किया जा रहा है, ये बहुत स्लो पॉइजन है। आप इनाम की लालच में कभी मत बनाना बल्कि मुस्तफा की शफात की लालच में तुम रिसरिस लगाना, अपनी मस्जिदों को सजाना, कोई उसको सराहे न सराहे, दुआ करना मौला अपने हबीब के सदके में हमारी मोहब्बत के चंद चिराग कबूल कर।
तो यही चिराग तुम्हारे लिए कब्र की रोशनी का जरिया बनेगा। इमाम अहमद रजा कहते हैं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। दिल में भी चिराग हो और इन चिरागों का जलवा भी तुम्हें कब्र में नजर आए, तो कभी भी फख्रो मुखाबाद और दिखाने के लिए ये सब काम मत करना। ऐ मेरे जवान, जब एक बल्ब भी जला, खुदा की कसम अल्लाह से दुआ कर ले कि मौला इस एक बल्ब को मेरी कब्र की रोशनी बना दे और मुस्तफा की मोहब्बत में इसे कबूल कर दे। ये जज्बा अगर पैदा करोगे तो बड़ी बरकतें मिलेंगी। हर चीज दीन के नाम पर अल्लाह रसूल की रजा के लिए किया करो और फिर देखो कि उसका फायदा और उसकी बरकतें हमें कहां तक मिलती हैं। अल्लाह ताला मेरे कहने को कबूल करे और आपके दिल को तौफीक दे कि मेरे मुंह से निकली हुई बात को भी आप पूरी ईमानदारी के साथ दिल के दामन में गिरह दे लें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। परवरदिगार आलम तुम्हारी जिंदगियों को कामयाब बना दे। और अगर आपने कुछ खुलूस नहीं आया, नकल ही कर ली है और दिल से जबान से इतना कह दिया कि मैंने अल्लाह रसूल के लिए किया है, तो यह भी तुम्हारे लिए निजात का जरिया हो सकता है। रिवायतों में आया है कि जो लोग दुनिया में बाल जिनके सफेद हो गए और उनका इंतकाल हुआ, तो कब्र में मुनकर नकीर कब्र के सवालों जवाब में बड़ी आसानी पैदा कर दे और कब्र में उसको राहत अल्लाह अता फरमाएगा सफेद बाल की वजह से। अल्लाह को ये सफेदी बड़ी पसंद है। आज तो कुछ लोग सफेद हो जाते हैं तो दिल लगाते हैं, क्या बोलते हैं, खिजाब, डाई करते हैं, डाई, यहां डाई करते वहां डाई मारेंगे, ये आई और डाई छोड़ दो ताकि जवान लगे। नहीं करना चाहिए, इस्लाम ने इसको हराम कहा। किसी ने आला हजरत से मसला पूछा कि ये डाई करना, काला करना कैसा है, तो आला हजरत भी जवाब देते हैं, फरमाते बूढ़ा बैल अगर अपनी सींग कटा के छोटा कर दे तो बछड़ा और पाड़ा नहीं बन सकता, बनेगा क्या। तो बड़े मियां अगर डाई करके जवान बनना चाहें तो ये गालों की झुर्री बता देगी बूढ़ा बैल है, मार्केट में उसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, जो बूढ़े बैल की है वही उसकी भी होगी, समझ गए। तो रिवायत में आया है कि सफेद बाल वालों पर अल्लाह रहम फरमाएगा कब्र। एक साहब इंतकाल कर रहे थे तो अभी बहुत बूढ़े नहीं हुए थे, थोड़े थोड़े बाल उनके सफेद हुए थे, तो उनका आखिरी वक्त आया तो बच्चों को बुलाया, बोले मैंने रिवायत में पढ़ा है कि जिसका बाल सफेद होगा अल्लाह कब्र में उस पर रहम फरमाएगा, तो बेटो मैं तो अब मर रहा हूं, बाल सफेद नहीं हुए तो मुझे नहला धुला करके चूना लगा दे। हालांकि खुलूस नहीं है, सिर्फ उस रिवायत पर अमल करने का एक जज्बा है। हालांकि अल्लाह जानता है कि यह चूना है कि अंदर काला है कि बाहर सफेद है, सब जानता है, उसकी शान है इन्नहु अलीमुन बिजाति सुदूर, लेकिन उस भोलेपन का जरा अंदाज देखो। अपने बच्चों को वसीयत करता है मेरे बाल को सफेद कर देना, तो बाप की वसीयत थी, नहला धुला लिया गया, काफूर वगैरह लगा दिया और कफन में लिटा दिया, तो बच्चे लाए ब्रश, जैसे दाढ़ी मुड़ाने वाला ब्रश नहीं करता साबुन लगा करके, जब वो खड़ा रहता है आईने के सामने पूरा फेस आता है तो अच्छा खासा आदमी जोकर मालूम होता है, लगता ही नहीं, फिर वो खुसुर खुसुर करता है। तो ये बेचारे लेकर आए पूरी दाढ़ी पर ब्रश और चूना लगा दिया, सफेद सफेद हो गई, दफन कर दिया गया। कुछ दिन के बाद एक मोहल्ले के
इमाम साहब बड़े नेक थे, इनको ख्वाब में देखा, कहा ये आपके साथ अल्लाह ने क्या काम क्या सलूक किया, बड़ी अच्छी हालत में हो, तुम तो इंतकाल कर गए। कहा कोई अमल नहीं, बस यही चूना लगाया था, अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद आ गई। अल्लाह जानता था कि अंदर बाल काले हैं, लेकिन उस हदीस पर मुझे यकीन आ गया था कि जिसका बाल सफेद है अल्लाह उस पर रहम फरमाएगा, तो मेरे बाल अगरचे दिखावे के सफेद थे, लेकिन अल्लाह ने इस अदा को पसंद कर लिया मुझे बाल। तो देखो हदीस में है कि हर काम खुलूस से करो, अगर खुलूस नहीं है तो इस हदीस पर अमल करते हुए वो काम करो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह और रसूल ने कहा है इसलिए करो, तो यकीन है खुलूस पैदा हो न पैदा हो, अल्लाह की रहमत चाहे तो तुम्हारे बेखुलूस काम को सिर्फ नकल की वजह से कबूल फरमा कर निजात का जरिया बना दे। तो दोस्तों जो काम भी करो बस अल्लाह रसूल का पैगाम सुन करके उस पर अमल के जज्बे की नीयत से करो, खुलूस पैदा कर देना अल्लाह का काम है। जब ये अंदाज अख्तियार करोगे तो खुलूस खुद पैदा होगा। परवरदिगार आलम हम सबको सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ लें। आजा दे रहमत पैदा हो सदाम शम्मे बज़्मे हिदायत पैदा हो सदाम मुस्तफा जादे रहमत पैदा हो सदाम शम्मे बज़्मे हिदायत पल गई जिस पे मैं शर में बख्शा गया देखा जिसम अब रे करम छा गया तो रुख जिधर हो गया जिंदगी पा गया जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उसने गागे हिदायत पैदा हो सदा मुस्तफा जादे रहमत पैदा हो सदा शम्मे बज़्मे जिनके जलवे ज़माने में छाने लगे जिनके जोशे अंधेरे ठिकाने लगे जिनसे जुल्मत पर देनो रिपाने लगे जिसे तारी दिल जगमगाने लगे उस चमक वाली रंगत पैदा हो सदा मुस्तफा जादे रहमत पैदा हो सदा शम्मे बज़्मे हिदायत काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पैदा हो सलाम मुझसे खिदमत के उदसी मेरा रज़ा मुझसे खिदमत के कहे हारज़ा मुस्तफा जादे रहमत पैदा हो सदा मुस्तफा जादे रहमत पैदा हो सदा शम्मे
بزم ہدایت تیرا ہو سنا سنا تو سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری اس بزم کو قبول فرما لے. یہ لوگ جو آئے ہیں مولا ان کے دلوں میں خلوص پیدا فرما دے. یا اللہ سب کی بگڑی کو بنا دے. یا اللہ بے روزگاروں کو خوب روزی عطا فرما دے. روزگار والوں کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرما. پروردگار عالم کرم فرما رحم فرما. اٹھنے سے پہلے ہم سب کو معاف فرما دے. جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما دے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. شیخ محمد حنیف شیخ محمد شعیب بیچارہ بہت یہ شعیب کافی بیمار ہے. عائشہ بانو یہ بھی بیمار ہے. عبد السلام محمد شیخ یہ لوگ بیمار ہیں. اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے مولا انہیں معاف فرما دے. ان کے قبر کو رحمت و نور سے بھر دے. خاص طور سے ہمارے سامنے رہنے والا بیچارہ ہونہار جوان بابا بھائی رادیری کا انتقال ہو گیا ہے. مجھے مکے میں خبر لگی تھی, وہاں بھی دعا کیا, آج بھی دعا کرتا ہوں اللہ اس کی مغفرت فرمائے. عبداللہ بھائی پٹوا اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. قادر بھائی کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اور جن کے نام میرے پاس نہیں آئے مولا تو علی وہ خبیر ہے. جو چلے گئے ہمارے سنی دنیا سے سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ جو پرانے لوگ ہیں نئے لوگ ہیں جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے ایمان کے ساتھ سب کی مغفرت فرما کر ان کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے. ان کے پاس مادگان کو صبر جمیل عطا فرما. ان کے بچوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.